आज हम दसवीं वर्ग की वास्तविक संख्या अभ्यास में अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में सीखेंगे। अंकगणित आधारभूत प्रमेय को अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय होता क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अंकगणित आधारभूत का प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय को सीएफ गॉस ने दिया था। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें लिखना है अभाज्य गुणकों के रूप में। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 140, ये दो से कटाएंगे तो ये 70, ये दो से कटेगा तो 35, ये दो से कटेगा 5 से कटेगा तो 7। इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2×2×5×7, ये 2×2×5×1×7 यानी 2×2×5×7 एक है तो इसको दिखाया नहीं जाता है, सबके घात एक दिखा ले, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी प्रश्न को हम लोग अभाज्य गुणनखंड वृक्ष द्वारा भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, इस गुणनखंड वृक्ष में हम कैसे करते हैं कि जो संख्याएं दी होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है उसे हम बॉक्स में लिखते हैं। पहले तो पहले हमने बॉक्स में इसको लिख दिया, जिससे हमें कटाना होता है उसको हम सर्कल में लिखते हैं, वृत्ताकार दौरे में लिखते हैं। दो से कटाना है हमें, कटाने में मिलेगा क्या 70, इसे भी हमने बॉक्स में लिखा। फिर इससे कितने से कटाया गया है 2 से, फिर जो कटने को मिला है इसको भी हम बॉक्स में लिखेंगे 35, फिर इसे कटाएंगे 5 से, जो कटने को मिलेगा 7 इसे लिखेंगे बॉक्स में। हम देख रहे हैं पहले की तरह ही इसका गुणनखंड हुआ है। इसलिए 140 बराबर 2×2×5×7 यानी 2×2×5×7 ये हमारा आंसर हुआ।